अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है अली भाई के ऊपर, जो और आपको जैसा पता होगा कि अली भाई को माशाल्लाह आज YouTube की पहली सैलरी जो है वो मिल गई है। अमाउंट बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर चले मैं अमाउंट भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ कि अली भाई को तकरीबन 345 डॉलर्स के करीब जो है वो सैलरी उनको इस वक्त मिली। और माशाल्लाह तकरीबन पूरा महीना काम करने के बाद अली को ये पहली सैलरी मिली है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर अली जो है वो अपनी ये सैलरी अपने वालदैन के साथ शेयर करे और उनको ट्रीट इस दफ़ा दे, बजाय इसके कि वो अपने दोस्तों को ट्रीट दे। पहला हक मेरे ख़्याल से उसके घर वालों का बनता है, वो इसलिए कि अगर सफ़र करने वाले कोई लोग थे और साथ देने वाले कोई सबसे ज़्यादा अली के इस सारे मौके पे थे, तो वो यकीनन अली के पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन भाई थे। और अली को ये चाहिए कि उनका इस हक को पहचानते हुए वो अपने घर वालों के साथ ये शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि वो कल या परसों अपनी सैलरी के मुताबिक अपने सैलरी के मुताबिक जो है वो वीडियो अपलोड लाजमी करेगा और इस चीज़ को अपने खुद जो है अपनी ज़बानी अपने फैंस के साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेगा कि उसको यूट्यूब की सैलरी आ गई है और वो अपने व्यूअर्स का और फैंस का शुक्रिया अदा करेगा कि उन्हीं की मदद से उनकी सपोर्ट के साथ अली जो है वो आज इस काबिल हुआ कि उसको यूट्यूब की पहली सैलरी जो है वो मिल गई है। और यकीनन अली के पर्सनालिटी में जो है वो आप देख रहे होंगे, दिन ब दिन चार चांद लगते जा रहे हैं। माशाल्लाह वो कोट भी पहनना शुरू कर दिया है और यहाँ पर अली के साथ जो है वो एक एडवाइस है उसको कि वो इन अपने कपड़ों की नुमाइश और बाकी सारी चीज़ों में वो ना उस में इंगेज हो। तो इसलिए कि वो बेसिकली उसको लोग जो है वो उसकी मासूमियत देखना चाहते हैं, उसका जो व्लॉग्स है जो उसने वादा किया है अपने व्यूअर्स के साथ कि वो व्लॉग्स देगा और यकीनन उसके जो व्यूअर्स हैं वो उसके व्लॉग्स ही देखना पसंद करते हैं। और वेयर एज़ यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली अली जो है वो उसने लाहौर की विज़िट किया, उसने कोशिश की कि वो कम अज़ कम अपने इलाके से बाहर निकल के अपने व्यूअर्स के लिए नई चीज़ें लाए, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं उसके अंदर कुछ कमी थी। सारी बात है कि अब उसका पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम वो बेचारा खुद लाहौर गया, तो अभी वो खुद जिसको कहते हैं जी वो जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया ही नहीं, तो आज मेरे ख़्याल से वो उसका लाहौर का पहला विज़िट जो है वो उसने अली को इस काबिल तो कर दिया है कि वो हूँ जम पे है। तो चलो बहरहाल अब उसको जो है आगे की तरफ देखना है और वो वाली गलतियाँ जो उसने इस व्लॉग में की वो मेरे ख़्याल से वो आइंदा नहीं करेगा। तो अब आ जाता है मसला कि उसने इस सारे मामलात में क्या चीज़ गलत की, हम उसको देखते हैं। और अभी ये जो उसके आज वीडियो उसने अपलोड की थी, जंगल की सैर उसने जो दोस्तों में कराई, कुछ उसके अंदर भी प्रोफेशनल कमियाँ थी। और अब मैं यहाँ उसको एक ख़ास तौर पर मशवरा देना पसंद करूँगा और उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो है मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अब वो अली ने भी जैन की तरह जो है वो अपने आप को पर्सनल प्रमोशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। वेयर एज़ मेरा ख़्याल से कि अली को अगर अपने पर्सनल प्रोजेक्शन या अपना पर्सनल प्रोफाइल दिखाने से बेहतर है कि अगर वो खुद नुमाई की तरफ ना जाए और वो अपने काम की तरफ, व्लॉगिंग की तरफ अगर ज़्यादा तवज्जो दे तो उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। क्योंकि जाहिर बात है कि उसकी अपनी कुछ चीज़ें, मैं यहाँ एक छोटा सा मशवरा दूंगा आप लोगों की इजाज़त से कि अली भाई यार ऐसा करो कि आप सबसे पहले तो अपनी चप्पलें बदलो, इसलिए कि आपकी जो चप्पलें हैं ना वो ठक ठक बहुत करती हैं। और जाहिर बात है कि इस सारे अमल से आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है और बेहतर है कि आप जो है वो अपनी चप्पलों को उसके ऊपर एक ख़ास फोकस करो और उसको जो है वो चेंज करो सबसे पहले।
दूसरा जो है वो अपनी कुदरती नेचुरल फ्लो में अपनी बात करो और यकीनन उसमें आपको जो है वो ज़्यादा आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। अब एक और चीज़ जो मैंने आज ये देखी कि वो जौहर जाते हुए उसने जो एक ऑडियो जो प्रॉब्लम जो है जारी बात है उसको अमूमन फेस करनी पड़ती है, जो मेरे ख़्याल से उसको अब थोड़ा सा खर्चा जो है अपनी ऑडियो की तरफ भी करना चाहिए कि वो अपनी ऑडियो क्वालिटी जो है बेहतर करने के लिए। मैंने उसको एक दफ़ा पहले भी फ़ोन पे बात हुई थी और मैंने उसको रेकमेंड किया था बोया माइक जो है वो अपने लिए एक परचेज़ कर ले और वो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वेयर एज़ अगर वो इस तरीके से जो है वो परचेज़ कर ले और उसको अपनी वीडियो क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए, तो वो काफ़ी उसको हेल्पफुल रहेगा। अब रह जाता है मसला कुछ और चीज़ों का। आज ही मेरी इत्तेफाक की बात है, अपने एक दोस्त के साथ सऊदीया से बात हो रही थी और यही वाली बात हो रही थी कि अली ने भी जो है वो जैन की तरह या दूसरे बाकी जितने भी व्लॉगर्स हैं ख़ास तौर पर सियालकोट से, वो अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो अगर किसी से गले भी मिल रहे होते हैं तो वो गले नहीं मिल रहे होते, वो बेसिकली जो है वो कैमरे की तरफ उनका ज़्यादा फोकस होता है कि कैमरा आया उनके मुंह को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। वेयर एज़ इस सारी चीज़ के लिए मैं मेरे ख्याल से मशवरा दूंगा, एक बड़ा अच्छा यूट्यूबर है आकाश इलाही, उसमें जारी बात है कि उसकी अपनी एक क्वालिटी है और उसके सारे जो है वो चीज़ें कि उस बेचारे की थोड़ी सी ज़बान जो है वो तत्लाती है, लेकिन बहरहाल उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है और उस ख़ास तौर पे जो उसके दोस्त उसके साथ होते हैं वो एक नेचुरल फ्लो में बात करते हैं, जो एक बड़ा अच्छा स्पाइस जो है वो उसके वीडियोस में ऐड करता है। हाँ, एक और मशवरा, वो जो हम बात कर रहे थे आपस में, वो इम्तियाज़ हमारे दोस्त हैं सऊदीया से जो बात कर रहे थे, और मैं उनको से यही बात कर रहा था कि अगर मैं अली की जगह होता और कोई मेरे पास आता कि मेरे साथ वीडियोस बनाओ, तो मैं यकीनन इनकार तो नहीं करता, लेकिन कम से कम एक टैग, क्योंकि आजकल यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ बड़ी प्रमोट हो रही है कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उसको तो फ़ायदा होता है, आपको क्या फ़ायदा होता है। तो इस सारी चीज़ से कतर नज़र, चूँकि यूट्यूब हम कमर्शियली कर रहे हैं, इस हकीकत से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि हम यूट्यूब को कमर्शियली नहीं कर रहे। अगर हम यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ एडसेंस रेवेन्यू के ऊपर ही रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जारी बात है इससे कोई चीज़ मसला हल होने वाला नहीं है। अब हम उसको बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि हम उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर कोई कोलैबोरेशन के लिए आ रहा है तो हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने जो कोलैबोरेशन के लिए हमें आता है हम उसको वेलकम करें और साथ ही अपनी एक छोटी सी फ़ीस, उसको सर्विस फ़ीस जो है वो हम उसको चार्ज करें, ताकि हम एक तो उसका एंटरटेन कर सकें उसको उसी पैसों में से, और प्लस कुछ जो हमारा टाइम उसमें बर्बाद होता है हम उसके लिए उससे थोड़े से चार्जेस भी लें। लेट सपोज़ कि अगर फ़र्ज़ करें कि इनिशियली 2,000 रुपये या 3,000 रुपये वो चार्ज करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मज़ायकी की बात नहीं है। और मेरा ख़्याल से जो उसके कोलैबोरेटर्स हैं, अगर वो उससे सीरियस हैं कि अली को अपनी वीडियो में लें, तो वो मेरा ख़्याल से उनको पे करना चाहिए और बुरा नहीं महसूस करना चाहिए वो, इसलिए कि वो अली का टाइम ले रहे हैं। और सेम इसी तरीके से अगर बाकी यूट्यूबर्स जो अब दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मेरा ख़्याल से अब हमें सबको यूट्यूब को अपने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए और थोड़ा बहुत इस चीज़ में खुलना चाहिए कि भाई ऐसे ही आराम से व्यूज़ जो है वो नहीं मिल जाते, कि माना कि गांव में है, लेकिन जारी बात है जब तक आप प्रोफेशनल होकर काम नहीं करेंगे, काम को काम नहीं समझेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं कि ये व्यूज़ नहीं आते या मतलब कि हमें इनकम नहीं होती है, दिल बर्दाश्त होता है, तो उसके लिए एक स्टार्टर बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो अपने कोलैबोरेटर्स के साथ जो है वो काम करें और उनसे चार्जेस थोड़े से लें, ज़्यादा नहीं थोड़े से। अगर टिकटॉक एक बड़ा जो है वो आजकल मशहूर है, 15 सेकंड के अंदर जो मशहूर जितने भी एक्टर्स हैं वो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये जो है वो चार्ज करते हैं और अपना अल्लाह भला करे वो उनमें वो मुजायका नहीं समझते इस सारी बात को। तो
हम क्यों इस बात को जो है वो पीछे रहें और इस जोम में मारे जाएं कि जी नहीं हमें पैसे नहीं लेने चाहिए या हमें कुछ और जो मामला। बहरहाल ये एक मशवरा था, कोई माने या ना माने ये उसके ऊपर है। बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं और इनको जो है वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और बाकी अल्लाह मालिक है। बहरहाल मेरा ख़्याल से आज की वीडियो हम इसको यहीं पर तक रखते हैं और अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक अपने अपने दोस्तों का रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए। मेरी तरफ़ से आप तमाम हज़रात को अल्लाह हाफिज़।